तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी ओ सिम चैनल में। और दोस्तों आज हम देख सकते हैं आपकी फ़ोन को ऐसे क्लोन करेंगे, जो भी मतलब एक फ़ोन में यूज़ करेंगे वो सेम चीज़ दूसरे फ़ोन में भी यूज़ होगा ऑटोमेटिकली। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रियलमी C3 और इसमें सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर में और यहाँ से हमें दो ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका नाम है अवेसंग क्लाइंट। यहाँ पे दोनों सेम नेम से आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा ऐप है। तो यहाँ पर अवेसंग क्लाइंट सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि आपको लगभग 12 MB का देखने को मिल जाता है और जो दूसरा है वो 36 MB का देखने को मिलता है। तो ये पहला हो गया और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 34 MB का एक्चुअल में है, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने दोनों ऐप्स डाउनलोड कर लिया और यहाँ से अवेसन क्लाइंट जो है उसमें जाना होगा और सिंपली हमें साइन अप करना होगा। तो यहाँ से हम आप क्लियरली कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ईमेल डालना होगा और अपना कोई भी मनचाहा पासवर्ड इनपुट कर सकते हैं और अपना नाम डाल सकेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको वही पासवर्ड इनपुट कर देना होगा और सिंपली लॉग इन पर क्लिक कर दीजिए। और गाइस सेम वही पासवर्ड और ईमेल डालकर दूसरा जो ऐप है उसको भी लॉग इन कर लीजिएगा। और गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हमें दो फ़ोन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो दूसरा ऐप है उसमें हमने लॉग इन कर लिया है, तो उसको ओपन करते हैं और उसके बाद क्या करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अब जिस फ़ोन का स्क्रीन शेयर करना होगा उसमें जो स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं रियलमी C3 का स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ 2 Pro में, तो ये है स्क्रीन मिररिंग। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इनपुट जो ID के लिए दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ऐसा आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। अब ये जो जब मिल जाएगा तो उसके बाद आपको सिंपली जो दूसरा फ़ोन है उसमें आपको जाना होगा उसी सेटिंग में और यहाँ पे जो रिमोट असिस्टेंट देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पार्टनर जो डिवाइस ID मांगेगा तो वहाँ पे आप ये ID डाल सकते हैं, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, और ऐसे ही इनपुट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इनपुट करने के बाद आपको सिंपली जो पासकोड है वो भी आपको इनपुट कर देना होगा। और गाइस पासकोड डालने के बाद सिंपली आप कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद कनेक्टिंग ऐसा मतलब देखने को मिल जाएगा और थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिररिंग दिखाने लगा और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पैनल भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम है जो रियलमी C3 में, वही यहाँ पर भी नोटिफिकेशन पैनल दिखा रहा है और जो बैटरी परसेंटेज है वो भी सेम मतलब देखने को मिल जा रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं जो वॉलपेपर उसमें था वही सेम चीज़, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली उसमें भी यूज़ हो रहा है। और यहाँ से MX प्लेयर में मैं वीडियो भी प्ले करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि मतलब कि कैसा चलता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं एक वीडियो प्ले किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि जो भी मतलब उसमें यूज़ कर रहा हूँ रियलमी C3 में वही सेम चीज़ आपको 2 Pro में यूज होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ से मैं वॉलपेपर भी चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि वॉलपेपर इसमें भी चेंज कर रहा हूँ, बट ऑटोमेटिकली जो 2 Pro है उसमें भी वॉलपेपर चेंज हो जा रहा है, जो कि काफ़ी मतलब अमेजिंग है। ये आप कह सकते हैं बहुत मस्त है। यहाँ से सेटिंग भी आप देख सकते हैं, जो कि हम चलते हैं अब अबाउट फोन में और वहाँ से देखते हैं कि जो मेरा 2 Pro है उसमें क्या नाम दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें रियलमी C3 दिखा रहा है, मतलब कि ये फुल्ली मतलब सब कुछ चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन भी अलग अलग है, बट आप देख सकते हैं जो 2 Pro है उसमें भी रियलमी C3 दिखा रहा था, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। मतलब पूरा आपकी फ़ोन की सेटिंग्स तक ये मतलब मिरर कर देता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। और गाइज यहाँ से मैं आपको YouTube में वीडियो प्ले करके भी दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ अपने है चैनल का नाम जो GIGOSIM है। दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ और आप क्लियरली देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ C3 में वही सेम चीज़ प्रोसेसर हो रहा है 2 Pro में, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। और दोस्तों देख सकते हैं आप क्लियरली देख सकते हैं, दोस्तों मैं क्या कहूँ, आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे आपने YouTube पे वीडियो देखे होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब फेक सा देखने को मिलता है, कोई मतलब आपको ओरिजिनल नहीं देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सिंपली जब आपको डिसकनेक्ट करना होगा तो सिंपली आप उसी ऐप में जाकर जो कनेक्टिंग हुआ है उसी पर क्लिक कर देंगे, वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए प्लीज़।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।